हेलो एंड वेलकम टू वी एफ आई ब्लॉग। सो टुडे आई रिव्यू अ 2019 110 सीसी होंडा लीवो VF4 मॉडल। दिस इज अ होंडा लीवो 2019 VF4 मॉडल। सो फॉल मैं आप लोग को इस VF4 होंडा लीवो की प्राइस बता देता हूँ। तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 59,000 से लेके 61,000 एक्स शोरूम प्राइस। आगे से शुरू करते हैं तो आगे से इसकी हेडलाइट काफ़ी शार्प डिजाइन में आती थी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। 110 सीसी में इसकी डिजाइन काफ़ी बेस्ट और शार्प लुकिंग के साथ आती है। फ्रंट में इसका वाइजर है। इसके वाइजर तीन पार्ट में आते थे, एक ये वाला, एक ये और एक इस साइड। साथ में उसी के साथ हैलोजन इंडिकेटर जो कि काफ़ी अच्छी लुकिंग में है। इसके साथ इसमें 35 वॉट के हैलोजन बल्ब के साथ पार्किंग बल्ब भी आता है। इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छा थ्रो मिलता है इसका। उसी के साथ हैलोजन इंडिकेटर, ठीक उसके नीचे आपको मिलता है 35 mm का सॉकर, उसके साथ मड गार्ड एंड इसके नीचे 5 स्पोक का एलॉय व्हील, जिसमें MRF का टायर कंपनी देती है। और इसका साइज है 18x100 और 18 इंच। और इसके ब्रेकिंग में बात करें तो आगे और पीछे दोनों 130 mm के ड्रम ब्रेक आते हैं, जो कि आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं। इससे आपको पैनिक ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। और अब बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसकी मीटर कंसोल सेमी डिजिटल एंड एनालॉग मीटर आते हैं। इसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ और इसमें आपको टाइम, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर मिलता है, जो कि 10,050 किलोमीटर चली हुई है। इसी के साथ आपको एक ट्रिप मीटर भी मिलता है। और यहाँ पे न्यूट्रल, हाई बीम एंड इंडिकेटर की लाइट है। उसके साथ यहाँ अगर स्विच क्वालिटी की बात करें तो 100 and 110 cc में काफ़ी अच्छा स्विच क्वालिटी आपको मिलती है। यहाँ पे पासिंग के लिए स्विच है, ये हाई बीम एंड लो बीम का, ये इंडिकेटर का, उसके नीचे हॉर्न का है। और इधर सेल्फ है। फिट एंड फिनिश की बात करें तो 110 सीसी में सेगमेंट में काफ़ी अच्छी आपको फिट एंड फिनिश क्वालिटी मिलती है होंडा लीवो में। और अब बात करते हैं इसके टैंक की, तो इसकी टैंक कैपेसिटी है 12.5 लीटर की। उसी के साथ कंपनी इसमें टैंक काउल भी लगा के देती है, जो कि आपको काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन में मिलता है। इस बाइक में बैठने पे आपको ये नहीं लगता है कि आप 110 सीसी बाइक में बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे 150-180 सीसी की बाइक में हो। और इधर है आपका 110 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 8.4 bhp एट द रेट 6000 rpm एंड 7.4 nm टॉर्क एट द रेट 5000 rpm, जो कि आता है 4-speed गियर बॉक्स के साथ, जो कि आपको काफ़ी अच्छी पिकअप इसमें मिलती है। इधर आपको प्लग मिलता है एंड उसी के नीचे साइलेंसर है। ये साइलेंसर VF4 में कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ आने लगा था। और उसी के नीचे है ये सीट काउल, जो कि काफ़ी अच्छे डिजाइन में आता है, जो टैंक से लेके पीछे तक है। अब बात करते हैं इसकी सीट की, तो इसकी सीट 110 सीसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन के साथ मिलती है, जो कि आपको बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगी। और सीट के नीचे ये आता है आपका बैक लाइट काउल, जो कि काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी शार्प डिजाइन के साथ आता है। उसी के साथ आता है बैक रेस्ट, उसी के पीछे मिलती है आपको ये काफ़ी शार्प डिजाइन में हेलोजन टेल लाइट। साथ आपको पीछे भी हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। और उसके नीचे है ये काफ़ी लंबा मड गार्ड। और इस साइड है काफ़ी अच्छा और बड़ा साइलेंसर, जो कि आपको काफ़ी स्मूथ साउंड देता है। और इधर ये चैन स्पॉकेट है। चैन स्पॉकेट में
ये कंपनी ने एक बात काफ़ी अच्छी दी है कि इसमें आपको चैन कवर दे दिया है, जिससे कि आपको चैन मेंटेनेंस जल्दी नहीं करानी पड़ती है, वरना कुछ लोग चोरी भी कर लेते हैं। उसी के नीचे आपको टायर प्रेशर एंड चैन मेंटेनेंस के लिए कुछ नोटिस दी गई है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। अब बात करते हैं इसके पिकअप की, तो इसकी पिकअप दिखाएंगे ये।